लो मैं आ गया। अरे वाह आ गए। हाँ आ गया। कार चोर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम इतना हंस कैसे सकते हो? दिखता नहीं कि मैं थका हुआ हूँ? बस बहुत हो चुका, मैं तो खाने जा रहा हूँ, भूख लगी है। मैं तो पहले ही खा चुका हूँ। न्याय की रक्षा करने वाले को बहुत भूख लगी है। क्या कर रहे हो मित्सुओ, तुम भूल गए तुमने अभी अभी खाना खाया था? मम्मी मित्सुओ फिर से खाना। चुप बस हो गया, कितना चिल्लाती हो, चुप नहीं रह सकती क्या? ठीक है मुझे जाने दो, चलो हम एक सौदा करते हैं। तुम तैयार हो? कैसा सौदा? मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी अगर अगर क्या? मित्सुओ यहाँ गंदा है, जरा साफ कर दो। भाई बहन को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसा ही सोचोगी, मेरी बहन जो। मित्सुओ गांको कहाँ हो? गांको कितनी होशियार है मेरी बच्ची। मित्सुओ अपनी बहन को परेशान मत करो। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मम्मी आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ बाहर जा रही हूँ, पर मैं डिनर से पहले आ जाऊंगी। अगर देर हो गई तो कपड़े अंदर ले लेना, ठीक है? क्या? ठीक है मम्मी, पर आप कुछ खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें ले आना। हाँ ले आऊंगी, मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। बाय बाय। गांको अब तुमने कहा है ना तो कपड़े भी तुम ही लोगी। नहीं मुझे लगता है शायद तुम कर लोगे। ये लो, अब इस कमरे की अच्छी तरह सफाई करो। गांको की दाद देनी पड़ेगी, सारा कपड़ों का काम मुझसे ही करवा लिया। गांको का भाई बनने से तो ज्यादा परमैन बनना आसान है। दिल करता है हमेशा परमैन ही बना रहूं। वो देखो परमैन, चलो उसे मिलते हैं। हाय। तो आज क्या काम है दोस्तों? मुझे खबर मिली है कि एक चोर सेल्समैन के रूप में घर घर में चोरी कर रहा है। सेल्समैन के रूप में चोरी कर रहा है? हाँ सब कहते हैं उसके चेहरे पर दाढ़ी है और वो दुबला पतला है, उसे ढूंढना चाहिए ना। अगर लोगों को मालूम है तो ये काम पुलिस को करना चाहिए। तुम बहुत आलसी हो परमैन। नहीं मैं नहीं हूँ, अभी आया। कहाँ गया वो? नजदीकी मामला था। तुम्हारा शुक्रिया परमैन। अब आगे से ऐसे कभी मत भागना, ठीक है? मुझसे गलती हो गई, वो दरअसल मेरा बीमार भाई घर पर अकेला है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में थी परमैन। तो ये वजह थी? क्या तुम ठीक हो? मैं इसे घर पर छोड़कर आता हूँ, तुम दोनों आगे जाओ, चलो। परमैन सुनो। चलो चलो अब जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारा भाई राह देख रहा होगा। हाँ हाँ शुक्रिया परमैन। उसका ख्याल रखना। जरूर, बाय। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो। तुम भी बहुत अच्छे हो भैया, लो जल्दी से अब ये केला खा लो। वाह दोनों में कितना प्यार है, काश मेरी भी एक ऐसी ही बहन होती। लेकिन मुझे भी गांको के पास जाना होगा, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। अरे ये क्या, कपड़े तो बाहर ही लटक रहे हैं, उसने एक भी कपड़ा घर के अंदर नहीं लिया, कैसी बहन है ये। अरे ये क्या, मेरा तो ये रोबोट भी बड़ा आलसी है, किसी काम का नहीं है, मेरा होमवर्क भी नहीं करता। मित्सुओ! अब तुम्हें क्या चाहिए गांको? मित्सुओ! अरे ये कौन है गांको? तो तुम इसके भाई हो? जी हाँ मैं ही इसका भाई हूँ। मुझे पता है तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है। हाँ हाँ वो घर पर नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी प्यारी बहन बता रही है कि उसे मुझसे एनसाइक्लोपीडिया खरीदना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ मत बोलो, अभी एक मिनट पहले ही तो कहा था तुमने। वो तो मैं सिर्फ देख रही थी, मैंने खरीदने की बात थोड़ी की। अगर देखा है तो खरीदना भी पड़ेगा। एक मिनट। पता है एक चोर सेल्समैन के रूप में घर जाता है और लूटता है। अच्छा तो इसका मतलब यही वो सेल्समैन चोर है। चलो पैसे निकालो, 500 रुपए। 500 रुपए? वो तो देने ही होंगे। लेकिन सुनिए तो गांको इसे जोर से पकड़ो। ठीक है। अब मैं परमैन को ले आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम यही रुकना।
तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। जल्दी आओ। अरे रोबोट को छोड़ दो, पहले परमैन बन जाओ। मैं तैयार। अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। परमैन। अरे परमैन, सारा घर उलट पुलट मत कर देना। खबरदार, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास मत आना। तुम ये क्या कर रहे हो? अब देखो मैं क्या करता हूँ। भाई को लेकर आओ, समझ गए? ठीक है ठीक है। अरे मित्सु। अगर कैश नहीं है तो चेकबुक भी चलेगा। चलो अब नीचे चलता हूँ। क्या है, मुझे परमैन ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। ये सब क्या चक्कर है? तुमने तो वही रंग की शर्ट पहनी है जो उसने पहनी हुई थी। सच सच बताओ, बात क्या है? मैं भी उसे लेके आता हूँ। ये क्या, वो फिर से चला गया? मैं तैयार। परमैन तो मैं भी आया। उसके भाई को बुलाओ। बहुत भगा रहा है ये। मैं तो भूल ही गया था, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। थक गया। परमैन। हे या। अरे मैं अपना मुखौटा भूल गया। मैं परमैन बनकर थक गया हूँ, तो मेरा ये काम तुम ही कर लो। क्या? तो मतलब ये काम मैं कर सकता हूँ, बड़ा मजा आएगा। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। मैं भी आया। इसका भाई कहाँ है? मालूम नहीं क्यों, पर वो तुम्हें ही बुला रहा है। क्या फिर से? लो मैं भी आया। चलो मैं तो बच गया। इसका भाई कहाँ है? परमैन अब तो तुम ही कुछ करो। पर मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ एक रोबोट हूँ। परमैन बचाओ। इसे तो आप सबक सिखाना ही पड़ेगा। गांको जाओ जल्दी से पुलिस को बुला लाओ। अरे वाह परमैन, तुमने देखा मित्सुओ ने क्या किया? हाँ देखा। मतलब मैं परमैन नहीं था और मैंने मार दिया। मेरा पैर। मुझे तुम पर गर्व है। शाबाश मित्सुओ, बहुत बढ़िया काम किया। सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। जी शुक्रिया। जय हिंद। आखिरकार मित्सुओ ने उस चोर को पकड़ ही लिया। लगता है यहाँ बारिश होने वाली है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इतना अच्छा काम करने के लिए मैं तुम्हें अपना सलाद भी दूंगी। गांको इतनी बुरी भी नहीं है, गुड़िया रानी है मेरी। पता नहीं मम्मी को इतनी देर क्यों हो रही है। बारिश हो रही है। अरे नहीं मित्सुओ, मेरी मदद करो। चलो जल्दी कपड़े अंदर लो। काश मेरी बहन भी बाकी बहनों की तरह अच्छी होती। ये गुड़िया रानी नहीं, शैतान है शैतान।